उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में 1967 से लोगों के जरिए से मेंबर पार्लियामेंट चुनना जेएनके में शुरुआत हुई है, और तब से जो है ऑलमोस्ट हाईएस्ट वोट जो है बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ा है। तकरीबन 58-59% के करीब ये वोट जाता है। अभी भी कुछ एक जगह पर पोलिंग चल रही है, चाहे त्रेगाम है, हंदवारा है, इस एरियाज में कुछ एक जगह पर पोलिंग अभी भी चल रहे है। हम अभी बात कर रहे हैं उस समय भी 2019 का जो पोल परसेंटेज था काफ़ी कम था, 37.41% 2019 में हुआ था, और अभी जो है 59% के करीब, ऑलमोस्ट जो है उसमें 22% के करीब का जंप है। रिकॉर्ड हिस्ट्री जो है पोल परसेंटेज में आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। 2019 का जैसे मैंने कहा कि 37.41%, 2014 का 38.96%, 2009 में 41.84%, 2004 में 35.65%, 1999 में 27.79%, 1998 में 41.94%, 1996 में 46.65%, जो मतलब टर्मोइल के बाद का हाईएस्ट है 46.65% 1996 का, तो उसको जो है ऑलमोस्ट मोर देन 13% जो है रिकॉर्ड क्रॉस हो चुका है। 1991 में क्योंकि टर्मोइल के चलते जैसे दूसरे पीसीज में इलेक्शंस नहीं हुआ था, वैसे कश्मीर के इन पीसी में भी इलेक्शन नहीं हो चुका था। 1989 में 5% के करीब वोट हुआ था। 1984 में जो वोट हुआ है, जो अब तक के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लोकसभा इलेक्शंस के लिए हाईएस्ट जो है वो तकरीबन 59% के करीब है। उससे पहले जो हुए थे 1980 में 56%, 77 में 56.97%, 71 में 50.62% एंड 67 में जो है 51.35% वोट हुआ था। अब इस बैकग्राउंड में जो आज का जो वोट हुआ है, जिसके जो वोटर टर्नआउट ऐप है उस पर फिगर जो है 57.5 तक गए हैं। कुछ एक जगह पर वोटिंग चल रही है, कुछ एक जगह के अपडेटेड फिगर्स आना बाकी है, तो रफली अराउंड जो है वी विल बी टचिंग और क्रॉसिंग द 59% फिगर, जो कि ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हाईएस्ट रहेगा। टर्मोइल के बाद का हाईएस्ट तो ही है, इवन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में भी हाईएस्ट ही रहने जा रहा है।